देखिए, महिला अत्याचार में, लॉ एंड ऑर्डर में कांग्रेस सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है। आज ही 28 की अगर हम बात करें तो कम से कम 8-9 केसेस आज ही आए हैं। एक केस तो मेरे लोकसभा क्षेत्र का है, जेतारन पाली में, जहां पर एक नाबालिग को घर से उठाकर उसके साथ दुष्कर्म हुआ और ये 24 तारीख को घटना हुई। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई और बहुत मुश्किल से पुलिस ने केस दर्ज किया और उस पर बहुत मुश्किल से कार्रवाई की और वो जो अपराधी हैं उनको बचाने का प्रयास चल रहा है, ये बात सामने आई है। अजमेर में भिनाई में भी एक दुष्कर्म की बात सामने आई है। चुरू में भी जो एक घटना सामने आई है, विवाहित के साथ दुष्कर्म हुआ है। जयपुर में आज एक घटना सामने आई है। जोधपुर में आज एक घटना सामने आई है। प्रतापगढ़ में, जैसा पहले डूंगरपुर में हुआ था, वैसी प्रतापगढ़ में भी कुछ बच्चियों के साथ कुछ अश्लील हरकत की है स्कूल में, वो बात भी एक सामने आई। स्कूल प्रशासन कर रहा है, टीचर्स कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है राजस्थान में। हमारी बच्चियां और महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, ऐसी हालत है राजस्थान में। आपको घर से उठा के ले जा रहे हैं, घर से उठा के, ये जो 15 साल की बच्ची थी जैतारण में, उसको घर से उठा के ले जाया गया। तो क्या हो रहा है राजस्थान में? और इन्हीं के जो मंत्री हैं विधानसभा में कहते हैं कि ये तो राजस्थान है, मर्दों का प्रदेश है, और ऐसा तो होगा ही राजस्थान में। मतलब आप इस चीज़ को अपना स्टैंप ऑफ अप्रूवल दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये ठीक हो रहा है, और ऐसे मंत्री को ये रखते हैं अपने कैबिनेट में। और एक तरफ जो दूसरे मंत्री हैं राजेंद्र गुड्डा जी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें हमारे गिरबान में झांकना चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट को मणिपुर से बोलने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, उनको आप बर्खास्त कर देते। तो राजस्थान में ये हो रहा है। आज राजस्थान की बहन, बेटी, माँ कहीं से भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। दुर्भाग्य है, बहुत दुख की बात है और बहुत शर्म की बात है कि रेप कैपिटल बन चुका है राजस्थान। लाल डायरी, लाल डायरी का जिक्र किया, उसी पे अशोक गहलोत जी ने कहा कि IT, ED, CBI ये लोग क्यों नहीं ढूंढ पा रही है उस लाल डायरी को जिसका जिक्र कर रहे हैं। देखिए, लाल डायरी का जिक्र तो इन्हीं के पूर्व मंत्री ने किया है और वो इस लाल डायरी को लेकर विधानसभा गए, स्पीकर के सामने इसको टेबल करना चाह रहे थे, इसके राज खोलना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर उनको स्पीकर ने बिल्कुल ये करने नहीं दिया और फिर उनको विधानसभा से बहुत बुरी तरह से बाहर निकाला गया। तो हम लोग भी जानना चाहते हैं, पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि लाल डायरी का क्या राज है। उन्होंने ये भी कहा, पूर्व मंत्री जी ने, कि इसमें बहुत सारे राज हैं, जो भी भ्रष्टाचार के जो कारनामे किए कांग्रेस सरकार ने, उसके सबके राज इसमें छुपे हुए हैं। और अगर उन्हें लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है तो इसको सार्वजनिक क्यों नहीं होने दिया इन्होंने? जब ये डायरी विधानसभा में गई तो उसको ओपन करते ना, क्यों ऐसे खींचातानी की, इतने घबरा क्यों गए? ऑपोजिशन पे लोकसभा में और राज्यसभा को भी आज के लिए स्थगित कर दिया गया है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो तो वैसे भी उसका डिस्कशन होने वाला है। मैं तो ये कहूँगी ऑपोजिशन को कि एक जब सरकार ने कहा कि हम लोग मणिपुर पे चर्चा करेंगे, गृह मंत्री जी खुद इस चर्चा में शामिल होंगे, तब ऑपोजिशन ने इस पे चर्चा करने से इनकार कर दिया और ज़बरदस्ती इसको पोलिटिसाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। जो मणिपुर में हुआ बिल्कुल सही नहीं हुआ और कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मैं उसको कंडेम करती हूँ, लेकिन आप इस तरह से उसको पॉलिटिकल इशू बना रहे हो और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, ये सही है क्या? जहाँ पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट में बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का प्रयास होता है, सारे सांसद बहुत सारी चीज़ें पार्लियामेंट में रेज करते हैं, वो सब चीज़ें आप होने नहीं दे रहे हो, पार्लियामेंट को स्टॉल कर रहे हो, क्या ये ठीक है? क्या ये न्याय है क्या पूरे देश की जनता के साथ? तो ये जो कर रहे हैं, जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल सही नहीं है जो ऑपोजिशन कर रही है पार्लियामेंट।